सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य दिल्ली पुलिस के वकील की तरफ से कोर्ट के समक्ष पेश किए गए। दिल्ली पुलिस के वकील की तरफ से ये कहा गया कि ये जो डेथ है ये अननेचुरल डेथ है। यहाँ पर सुनंदा पुष्कर की अगर बात करें तो वो पूरी तरीके से मेंटल टेंशन में थी, लगातार कई दिनों से स्मोकिंग कर रही थी, उनकी हालत जो थी वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में आ चुकी थी, इस तरीके की बातें की गई। और ये भी कहा गया कि अगर अदालत चाहे तो गंभीर हत्या जैसे अपराध के मामले इसमें दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में शशि थरूर के जो वकील हैं उन्होंने इसका विरोध किया और इस मामले की सुनवाई जो है वो 17 अक्टूबर की होगी। आज की अगर सुनवाई की बात करें तो सुनंदा इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा कि दोनों की ये तीसरी शादी थी। सुनंदा पुष्कर के बेटे शिव मेनन ने SDM में को बयान दिया था और उसने कहा था कि मेरी माँ एक स्ट्रांग लेडी थी, मजबूत इरादों वाली महिला थी। इसके अलावा सुनंदा पुष्कर के भाई ने कहा था कि 8 जनवरी को जो मेल लिखा था उससे जाहिर होता है कि वो मेंटल प्रेशर में थी। नौकर ने भी बयान दिया कि दोनों पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। और अगर यहाँ पर जो महिला पत्रकार है नलिनी सिंह जो कि सुनंदा पुष्कर की मित्र थी, उन्होंने कहा कि उसने थरूर के BBM चैट से मैसेज देखा था जिसमें कि मेहर तरार के साथ कई सारे रोमांटिक मैसेज शेयर किए गए थे। तो कुल मिलाकर सुनंदा पुष्कर की अगर बात की जाए, दिल्ली पुलिस के वकील की अगर दलीलें देखी जाए जो कोर्ट में पेश की गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि सुनंदा पुष्कर जो है पूरी तरीके से मेंटल प्रेशर में थी और यही कहीं ना कहीं वजह थी। और यहां पर दिल्ली पुलिस के वकील ने ये भी कहा है कि ये एक अननेचुरल डेथ है जिस तरीके से तमाम जो गवाहों के बयान आए हैं। हालांकि इस मामले में शशि थरूर के जो वकील हैं वो कोर्ट में 17 अक्टूबर को अपना पक्ष रखेंगे। देखना होगा क्या कुछ आगे इस मामले में अहम कड़ी निकल कर सामने आती है। मैं सुचित्रा मुखर्जी, टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से, वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ।